हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इंडक्शन कुकर। आज हम आपको इंडक्शन कुकर की रिपेयरिंग करके बताएंगे। इस इंडक्शन कुकर में कहीं पे कुछ स्पार्किंग हो रही है, जो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम इसके चारों स्क्रू निकाल लेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। स्क्रू खोलने के बाद उसके बाद हम इसका ढक्कन खोलेंगे। ये हमारा निचला हिस्सा है। इसको खोलने के बाद इसको हम वापस उस तरफ पलट लेंगे और ऊपर का जो कांच वाला हिस्सा है उसे हम ऊपर उठा लेंगे। ये देखिए हमारा कॉयल है। कॉयल के तीनों स्क्रू हम खोल चुके हैं। इस कॉयल को हम अलग करेंगे। उसके बाद प्लेट में जितने भी सॉकेट होंगे सब हम सॉकेट निकाल लेंगे और ये सॉकेट ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं। और इसके कॉइल के जो दो वायर हैं, ज़्यादातर करके यही दोनों वायर स्पार्क करते हैं, क्योंकि ये एल्युमिनियम का कॉइल है और हर कंपनी एल्युमिनियम का ही कॉइल देती है, जिसके कारण सोल्डर बहुत अच्छी तरीके से इसमें नहीं हो पाता। और हमें करना यही है कि इसको पहले हम ब्लेड से साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद इसमें सोल्डर करेंगे। दोनों वायर को हम अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे कौन सा ढीला है, चाहे इसको हम ब्लेड की मदद से साफ़ कर लेंगे या फिर सेरेस पेपर की मदद से साफ़ कर लेंगे। ये खूब अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा तो इसमें हम सोल्डर वायर पहले बाहर से ही पकड़ाएंगे। सोल्डर वायर एक बार पकड़ लेगा तो ये प्लेट में अच्छी तरीके से पकड़ेगा। उसके बाद इसको हम प्लेट में लगा लेंगे। ये वायर को प्लेट में लगाने के बाद खूब अच्छी तरीके से इसको हम सोल्डिंग करेंगे और यही सोल्डर हमारा सोल्डिंग मजबूत होना चाहिए। ज़रा सा भी स्पार्क अगर करता है, ज़रा सा भी ढीला यदि होगा तो वापस फिर से स्पार्क करेगा। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से हम सोल्डिंग करेंगे और इससे ज़्यादा और कोई प्रॉब्लम्स इंडक्शन में आती नहीं है। बीच बीच में इनका साफ़ सफाई करना होता है। एग्जॉस्ट फैन वगैरह जो इसमें हैं, इसकी गर्मी बाहर निकालने के लिए उसको साफ़ करना पड़ता है। अब प्लेट को हम उसके जगह पे फिट कर लेंगे। स्क्रू से इसे हम टाइट कर लेंगे। उसके बाद ये हम फैन का वायर का जो पिन है उसको लगा रहे हैं। ये पिन लगाने के बाद फिर हम कॉइल का पिन लगाएंगे, जिसमें जीनर डायोड होता है कॉइल के बीचों बीच। जो ही वही जीनर डायोड हमारे बर्तनों को कैच करता है। ये देख रहे हैं एकदम कॉइल के सेंटर में बीचों बीच जीनर डायोड है। अब इस कॉइल को फिट करने के बाद हम इसके तीनों स्क्रू टाइट कर लेंगे और ये हो चुका। और मेन लीड जो हमारी आई है, इसके दोनों वायर को हम प्लेट में कनेक्ट कर लेंगे। ये पहले को हम लगा रहे हैं और ये दूसरा है, दूसरे को भी लगा रहे हैं। ये खूब अच्छी तरीके से लग जाए और इसको चेक कर लेंगे, ढीला तो नहीं रहेगा, ढीला नहीं रहना चाहिए। इसको हम बराबर चेक कर लेंगे। उसके बाद ये हमारा ऊपर का हिस्सा है, जिसमें सारे ऑन ऑफ स्विच वगैरह लगे हुए हैं। तो इसको भी हम पहले इसका जैक में फिट कर लेंगे। उसके बाद इसका कवर हम ऊपर से लगाएंगे। इस तरीके से जितने भी वायर हैं हमारे, सबको हम फिट करने के बाद इसको लगा लेंगे। उसके बाद इसको वापस पलटी करके चारों स्क्रू इसके टाइट कर लेंगे। अब ये हमारे स्क्रू टाइट हो चुके हैं। अब इसको हम पलट के इसे हम चेक करेंगे, ये हमारा इंडक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये अगले वाले हिस्से में रबड़ होता है, रबड़ को भी हम लगा लेंगे। उसके बाद ये हमने स्विच ऑन किया और ये हमारा इंडक्शन में सप्लाई आ गई है। अब इसे ऑन करके देखते हैं। ये देखिए इंडक्शन ऑन हो चुका है। अब इसे कम ज़्यादा भी करके देखेंगे तो
मगर उसके लिए इस पे कोई बर्तन रखना होगा स्टील का। तो इस पे हम एक बर्तन रख देते हैं और ये हमारा इंडक्शन चालू हो गया है। इसको हम कम ज़्यादा करके भी देख ले रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कम भी हुआ और ये ज़्यादा हो रहा है, तो इंडक्शन एकदम फिट है दोस्तों।